पीरियड के समय पे रैसेस होना, इन्फेक्शन होना पैड यूज करने के बाद, तो ऐसा प्रॉब्लम ज्यादातर लड़कियों का होता है। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ मैं, उस प्रोडक्ट का अगर आप यूज करेंगे आपका कोई रैसेस वगैरह नहीं होगा। और आप पीरियड के समय पे ज्यादातर पैसा खर्च हो जाता है पैड खरीदने में, लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट एक बार खरीद लेंगे तो आपका ये 10 साल चलने वाला है। तो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ वो प्रोडक्ट है एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। ये प्रोडक्ट के बारे में ज्यादातर लड़कियों सबको ही जानते हैं, लेकिन इस कप को यूज करने में बहुत कोई डरता है। तो आप सबको आज इस वीडियो में सब कुछ इसके डिटेल्स में बताएंगे और आपको इसको क्यों यूज करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। मैं यूज करती हूँ मेंस्ट्रुअल कप एवर्टीन का, क्योंकि एवर्टीन का हर एक प्रोडक्ट मुझे ऐसे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं एवर्टीन का ज्यादातर प्रोडक्ट मैं खुद यूज करती हूँ। तो आपको आज मैं दिखाऊंगी एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप, तो इस प्रोडक्ट को आपको क्यों यूज करना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे जो आप लोग पैड यूज करते पीरियड के समय पे, तो पीरियड के समय पे पैड यूज करना सबसे आसान तरीका होता है, तो हम लोग एक कप क्यों यूज करें आप लोग सोच सकते हैं। तो आप लोग बता देना चाहती हूँ कि हर महीना जब पीरियड आता है हर महीना आपको पैड खरीदना पड़ता है, इसलिए आपको अलग से पैसा हर महीना जाता है। तो अगर आप ए मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं, अगर करना चाह रहे हैं, तो आपका एक कप एक बार ही लेना होगा, मतलब ए कप आपका हर महीना जैसा पैड खरीदना पड़ता है ऐसा नहीं लेना होगा, क्योंकि एक कप आपको लेने के बाद आपका एक कप चलेगा 10 साल, मतलब एक कप लेने के बाद आप इसको 10 साल यूज कर सकते हैं, मतलब 10 साल के लिए आपको और कुछ भी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे आपको पैसा सेविंग हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आप कोई भी पैड यूज कर रहे हैं, ज्यादातर लड़कियों का ऐसा होता है कि मेरा भी पहले होता था, जब मैं इस कप को यूज नहीं करती थी तभी मेरा भी बहुत बार हुआ है कि जब हम लोग पैड यूज करते हैं उसको गीला होने के कारण उसमें ना रैसेस वगैरह हो जाता है, और रैसेस हो जाता है पैड पहनने के लिए। लेकिन अगर आप एक कप यूज करेंगे तो आपका ये रैसेस नहीं होगा, आपका एक कप पूरा इसमें सूखा रहता है। एक कप बोलते हैं कि आप अगर इस कप को यूज करेंगे आपका 10 घंटे तक इसको लीकेज नहीं होगा, कुछ भी लीकेज नहीं होगा 10 घंटे, और आपका ये पूरा सूखा रहेगा तो वहां पर कोई भी रैसेस वगैरह नहीं होगा जो पैड पहनने के बाद होता है, पैड यूज करने के बाद। तो इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, रैसेस नहीं होगा, इन्फेक्शन और रैसेस आपका बिल्कुल भी नहीं होगा इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। उसके बाद और एक चीज ज्यादातर प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग का पीरियड होता है हम लोग पैड यूज करते हैं उसी समय पे ना अलग से एक स्मेल आता है, किसी जगह पे जाने से भी प्रॉब्लम होता है कि ऐसे स्मेल आ रहा है, पैड से ऐसी स्मेल आता है। तो आपको ये मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बाद आपका अलग से कोई भी स्मेल नहीं आएगा, ये पूरा स्मेल नहीं करता है, कुछ भी स्मेल नहीं करता है, पूरा आप जो नॉर्मल रहते हैं हर दिन ऐसा लगेगा आपको, ये पूरा 10 घंटा आपका कोई भी लीकेज नहीं करता है। तो मतलब आपका हर महीना पैड खरीदने का पैसा सेव हो जा रहा है, उसके साथ इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, रैसेस नहीं हो रहे हैं, उसके साथ इसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रहा है, मतलब आपको एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद इतना फायदा मिल रहा है। तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर यूज करके देखना चाहिए, आपको बहुत कोई एक प्रोडक्ट यूज करने से डरता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि पूरा नॉर्मल है, हो सकता है आप पहली बार यूज कर रहे हैं इसलिए आपको डर लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पैड से भी ज्यादा ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, मतलब इस प्रोडक्ट को यूज करने में ईजी लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा ये प्रोडक्ट यूज करने में। तो अभी आपको दिखाएंगे इस प्रोडक्ट में कैसा आता है ये प्रोडक्ट। ये देखिए ऐसे करके पैकेजिंग में आता है, जब इसको ओपन करेंगे आप, इसमें ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक कप। जो जो इसको यूज करना चाहते हैं, इसको साइज पता नहीं, साइज भी बता दे रही हूँ थोड़ी देर में, तो आपको दिखा देती हूँ इसमें अंदर क्या है। ऐसे करके आपको कप मिल जाता है, कप के बाद आपको मिलेगा एक यहाँ पर बैग, वो कप को आप इसको अंदर अच्छे से यहाँ पर रख सकते हैं, बहुत ही क्यूट सा एक बैग है। देखिए ऐसे करके एक बैग मिल जाएगा, इस कप को रखने के लिए एक बैग दिया जाता है, आपका जो पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप इसको वॉश करके अच्छे से इस बैग में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सब कुछ दिया गया है, आप इसको पर्स रखते हैं, तो इसको साइड में रख देते हैं, मैं आपको बता ही दे रही हूँ। तो देखिए ये आता है आपका कप, तो इसको ओपन करके भी दिखा दे आपको, देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए ऐसे करके आता है आपका कप। एक कप होता है सिलिकॉन कप, आपको इसको यूज करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कप बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत सेफ होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये डरने की कोई बात नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही सेफ कप है, सॉफ्ट है और ईजी टू यूज है, मतलब बहुत ही ईजी से आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है वो भी मैं बता दे रही हूँ, जब इसको आप यूज करने जा रहे होंगे तो ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिएगा, जब इसको अंदर आप डाल दीजिएगा इसको छोड़ने से आपका वापस सेट हो जाएगा। एक दो बार आप यूज करके देखिएगा, ट्राई करके देखिए, अब बहुत ही आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे करके कप आ जाएगा, सिलिकॉन कप है, और अगर आप इसको एक बार खरीद रहे हैं तो आपको 10 साल आप इसको यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लड़कियों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि जब इसका पीरियड आता है योगा स्विमिंग या डांसिंग कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन इस कप को यूज करने से आप लोग योगा अच्छे से कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं इस कप को यूज करने से, क्योंकि इसमें कोई भी लीकेज नहीं होता है
और अभी इसका साइज भी मैं बता दे रही हूँ, ये आता है तीन साइज में, आपको तीन साइज में मिल जाएगा एक कप। तो मतलब इसको कौन कौन कैसे यूज कर सकते हैं इसका साइज में डिटेल्स में बता दे रही हूँ। एक कप आता है तीन साइज में, जो आपका जो टीनेजर होता है एकदम टीनेजर के लिए है एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब सबसे छोटा साइज होता है एक्स्ट्रा स्मॉल टीनेजर के लिए है, उसके बाद है एस साइज मतलब स्मॉल है, तो स्मॉल साइज होता है वुमेन के लिए होता है जो है आपका टीनेजर के बाद का जो शादी हो गया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं शादी के बाद भी। उसके बाद जो लार्ज जो होता है सबसे बड़ा साइज जो होता है, अगर आपका बेबी हो गया है प्रेग्नेंट हो गए हैं पहले, तो आप इसको लार्ज सबसे बड़ा साइज आपको यूज करना है, मतलब स्मॉल साइज होता है आपका मीडियम, तो इसके लिए अगर आपका शादी हो गया है नॉर्मल तो स्मॉल साइज आप यूज कर सकते हैं, अगर आपका बेबी हो गया है तो लार्ज आप सबसे बड़ा यूज कर सकते हैं, और सबसे छोटा साइज है आपका एक्स्ट्रा स्मॉल जो आपका टीनेजर के लिए है। तो इस कप के बारे में मैंने सारा डिटेल्स बता दिया हूँ, जो जो यूज करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते तो जरूर एक बार यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। पैड यूज करना आप छोड़ ही देंगे इसको यूज करने के बाद, तो और जो जो यूज करना चाहते हैं तो इसको लेना चाहते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप वहां पर जाके एक आपको ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिए, आपको इस कप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, तो इस कप को जरूर चेक कीजिए नीचे। चलो टाटा।